वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, कल की वीडियो दे विच आप जी नूं 1984 दे घल्लूघारे दे वर्तारे दे कारण अते फौजी हमले दे कारण बारे विचार सांझे कीते सी। अज दी वीडियो दे विच 1 जून 1984 दे विचार करते हां। फौज निजी घरां दीआं छतां ते 1 महीना पहला तो ही रह रही थी। सीआरपी के अफसर ने 1 जून 1984 दरबार साहब की ड्योढ़ी जो कि मोची बाजार वाली साइड है, एसजीपीसी के कुछ अधिकारियों के नाल झड़प शुरू कर दी। उस वक्त संत जी, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जी लंगर हाल दी छत ते संतां नाल विसार सांझे कर रहे सन। 12 बजे बिना किसी भड़काहट तो सीआरपीएफ ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी विच दरबार साहिब की इमारत नूं 20-30 दे करीब गोलियां वज्जियां अते कई श्रद्धालु अते सेवादार शहीद अते जख्मी हो गए। नानक निवास अते गुरद्वारा बाबा अटल देवी सिंघा दे मोर्चे लगे हुए सन। बाबा अटल राय वाले मोर्चे ते बब्बर खालसा दा सिंह भाई महिंगा सिंह शहीद हो गया अते होर भी कई सिंघां अते श्रद्धालुआं दी शहीदी हुई। सिंघां वाले पासे तो गोली नहीं चलाई गई क्योंकि संत जी अते जनरल सुखदेव सिंह जी दे कहन ते सिंघां ने आपका फायर नहीं खोलिया। जनरल साहब का मनना सी कि इस गोलाबारी का मेन मकसद सिंघां दे हथियारां दा पता लगाना है, इस करके सिंघां नूं गोली नहीं चलाउणी चाहीदी। संतां वल्लों सारे जुझारू सिंघां नूं कहा बिना किसे काम तो बाहर नहीं आउणा अते शस्त्रबद्ध होके तैयार पर तैयार रहना है अते चारों पासे निगरानी रखनी है। जद तक सीआरपीएफ या फौज दरबार साहिब की हदूद तो बाहर है तद तक कोई भी सिंह फौजी नूं गोली नहीं मारेगा, ना ही आपका मोर्चा छड़ेगा। लगातार 7 घंटे गोली चलती रही जिस विच भाई मत्तेवाल सहित बब्बर खालसा ते भाई महिंगा सिंह स्थित होर श्रद्धालुआं दीआं ते प्रेमियां दीआं शहीदियां होईयां। सो 12 बजे तो 8 बजे तक 7 घंटे गोलाबारी चलती रही। 1 जून का वर्तारा ए सी, सो 2 जून का वर्तारा अगली वीडियो दे विच आप जी नाल सांझा कीता जावेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।